और वहीं उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक दे चुका है। कई जगहों पर मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि कई इलाकों में बारिश हुई है। अगर बात पिथौरागढ़ की करें तो वहां तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बारिश के पानी की वजह से ग्रामीणों की अब टेंशन भी बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर कोहरा छाया तो कई जगहों पर बारिश से हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। तो वहीं बागेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो भारी बारिश से कपकोट इलाके में सड़क बंद हो गई है। यहां लोगों को सरयू का जलस्तर बढ़ने की वजह से अलर्ट पर किया गया है। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप समझिए कि किस तरीके से मौसम और मॉनसून की शुरुआत थी। ये पिथौरागढ़ की तस्वीरों के साथ हो चुकी है जहां बारिश कुछ ही दिन पहले शुरू हुई लेकिन जो गाद गदेरे हैं वो बुरी तरह से उफान पर हैं। ऐसे में अब मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए बारिश का कहर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच वाली जो तस्वीर है वो घने कोहरे के बीच पूरे माहौल को बहुत खूबसूरत सा दिखा रही है लेकिन दोनों जो साइड वाली तस्वीरें हैं वो उसके दूसरे पहलू को बयां करती है जहां मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले कुछ घंटे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। यही वजह है कि अब अगले 24 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। उफनते नाले की ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं, जहां मुनस्यारी तहसील के समकोट गांव के लोग उफनते नाले से सहम गए हैं क्योंकि आपदा के लिहाज से ये बहुत संवेदनशील है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है जिससे पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ गया, जिस वजह से जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग बाधित हो गया, जहां कई गाड़ियां जाम में फंस गईं, तो घिंगरानी के पास एक ट्रक भी धंस गया जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। उधर मसूरी में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला, जहाँ मसूरी देहरादून मार्ग पर एक कार भी मलबे की चपेट में आ गई। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था जो अब सच साबित हुई। 28-29 में ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो है 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी एका दुका जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। उत्तराखंड पुलिस ने भी मौसम के अलर्ट को देखते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28 और 29 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपसे निवेदन है कि कृपया सावधानी बरतें और मौसम के मुताबिक ही यात्रा करें। कृपया निरंतर मौसम सूचना चेक करते रहें। हालांकि अगर भारी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर यात्री पैदल मार्ग से जाते हैं और बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर यात्रा मार्ग पर परेशानी बढ़ जाती है। प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है। इस लिहाज से सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। खासकर आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है कि वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करे ताकि बरसात के सीजन के दौरान यात्रा मार्गों समेत लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।